बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे पुलिस के दो बड़े अफसर, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन पहुंचे। सीएमआर अशोक गहलोत से मुलाकात का दौर चल रहा है। संभवतः गोगा मेडी हत्याकांड मामले में चर्चा ली जा रही होगी, अपडेट लिया जा रहा होगा और ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुखदेव हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये अपडेट है। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे मिलने के लिए सीएमआर पहुंचे हैं दो बड़े पुलिस के दो अफसर। मुख्यमंत्री आवास, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, दोनों ही सीएमआर पहुंचे हैं। अशोक गहलोत से बातचीत उनकी चल रही है। संभवतः गोगा मेडी हत्याकांड मामले में चर्चा हो रही होगी, क्योंकि इसे लेकर हर कोई स्तब्ध नजर आ रहा है, चाहे वो प्रशासन हो, पिछली सरकार हो, आने वाली सरकार हो, उनके तमाम दिग्गज हो या फिर प्रदेश की जनता हो। इस मामले को लेकर हर किसी ने निंदा की है और ये कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए कि पहले सुरक्षा क्यों नहीं दी गई और अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उसे लेके हो सकता है कि अब एक्टिव मोड में पूरा पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है और अशोक गहलोत भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं और अब सीएमआर में मुलाकात का दौर दोनों ही पुलिस अफसर करते नजर आ रहे हैं। और अभी तक जानकारी जो मिली है उसके अनुसार सिर्फ ये संभवतः हो सकता है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड से जुड़ा हुआ ही अपडेट लिया जा रहा होगा, दिया जा रहा होगा, चर्चा इसी बात को लेकर की जा रही होगी। डीजीपी उमेश मिश्रा पहुंचे हैं, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे। नरेश जी, क्योंकि हर कोई गंभीर भी नजर आया है इस पूरे मामले को लेकर, चर्चाओं का दौर चल रहा है और निंदा भी कर रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी कर रहा है, जिसमें अशोक गहलोत भी हैं, लेकिन अब ये जो दोनों दिग्गज पहुंचे हैं, क्या लगता है, क्या इसी मामले को लेकर पहुंचे होंगे? देखिए, चूंकि अभी प्रदेश में गोगा मेडी हत्याकांड का मामला गरमाया हुआ है और लगातार उमेश मिश्रा और एमएन दिनेश है वो इस पर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो एसआईटी बनी है एमएन दिनेश के नेतृत्व में, तो ऐसे में चूंकि अभी जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में संभवतया उनको पूरे मामले की रिपोर्ट दी गई होगी। और चूंकि जो एफआईआर थी उस एफआईआर में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिक्र है, तो इन तमाम चीजों को लेके भी इस मुलाकात में चर्चा संभव है। इन दोनों ही पुलिस के जो बड़े अफसर हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए और जो सूचना है उसके अनुसार जो गोगा मेडी हत्याकांड का मामला है उसी को लेकर पूरी ब्रीफिंग की जा रही है। ठीक है, ये इसलिए भी जरूरी हो सकता है क्योंकि सवाल लगातार पुलिस प्रशासन पर भी खड़े हुए और पिछली सरकार पर भी खड़े हुए कि सुरक्षा बार बार मांगी गई थी लेकिन दी नहीं गई। और जो इनकी धर्मपत्नी है सुखदेव सिंह गोगा मेडी की, जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, लिखित में पत्र दिया गया, उसमें भी इस बात का जिक्र है, क्या इस पर भी चर्चा हो सकती है और इसलिए गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है? नरेश जी, चलिए इस पर भी जवाब लेना बेहद जरूरी है क्योंकि इस पर भी चर्चा हो रही है, कई कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इस बीच इस हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।